हेलो हेलो, 300 यही ठीक है। हे hey. कंटिन्यूअसली यही लगे जा रहा है। मैंने देख लिया, अब क्या करूं मैं? आप ही, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल पेशेंट्स दैट प्लीज इग्नोर ऑल द हेटर। हाँ भाई, हम इग्नोर ही कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी हम लोग जवाब देने पर आ गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग चुप ही हैं। अलीजे डोर बंद कर दो, अलीजे डोर बंद कर दो। हेलो हेलो हेलो, तैयार हो गए? इसलिए इतनी बैठी हूँ क्योंकि ना वो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो बनाई है ना अपनी, तो किस खास से आज वो कई बातें करें। आज यार नहीं, मैं जो चाह रही हूँ ना वो लग नहीं रहा, क्या करूँ? हेटर्स को बोलने वाला, हेटर्स बोलते नहीं, फूंकते हैं। दो करना है मुझे, छोड़ो, समझ नहीं आया। माज और शाफ से अपनी औकात पे आ गए, माज और शाफ से अपनी औकात पे आ गए। जो बातें कुछ आस्तीन के सामने अभी का अभी पाल रही थी, वो ना दसने को आ गए। लोगों को बहुत आग लगी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी सक्सेस, रवि सिंह की इतनी सक्सेस देखकर ना वो अब तो जलने की सड़ान आ रही है यार। ये बात छोड़ ही दो प्लीज, हमारे आइडिया हर्ट हो जाए, मैं देखना अब झूठ झूठ वीडियो बनाएंगे। जी वो एक हो गए हैं और अब झूठ झूठ वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब बाल झूठ झूठ वीडियो जी, वो लोग, उन लोगों का काम हो चुका है। मतलब यार हम स्क्वाड स्क्वाड करते रहते थे, स्क्वाड इतना अच्छा है, स्क्वाड इतना अच्छा है, पता नहीं था स्क्वाड ये। यार वो क्या बोलूँ, छोड़ो। वो व्हाई यू गिव हेट अ रीजन, हेट नहीं देते, हेट हम नहीं दे रहे। हम तो चुप थे, बल्कि रवि काफी तो बिल्कुल चुप थी, वो तो बोल भी ही नहीं थी। अब आप लोग उन्हें सवाल कर करके, मतलब आप लोग चाह रहे थे कि ये बताएं, अपने मुंह से बताएं। इनफैक्ट अभी भी रवि काफी नहीं बोल रहे, एटलीस्ट उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। जो साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें ब्लॉक कर दिया और वजह ही नहीं पता, इतने तो वो शरीफ, इतने वो मासूम है, उन्हें ब्लॉक कर दिया लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। हाउ क्यूट ना, सो जो मिनी वैन सपोर्टना भी है, आपने घर के काम किसने करने हैं, वो हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। फजूल हेटर्स, हेटर्स फजूल ही होते हैं। हुसैन को भाई बोलता था, हुसैन को भाई बोलता था, अब तो हुसैन को भी छोड़ दिया माजा चलेंगे। हुसैन भाई की कोई बात तो है ना, हुसैन भाई की बताऊं क्या बात है? हुसैन भाई की ये बात है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी दोस्ती अभी काफी से निभा है, मतलब निभा नहीं रहे, उनके साथ हैं, उनके साथ हर कदम पे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। देखो मैं यहाँ पे किसी को हेट देने नहीं आई हूँ, तो ये मत बोलना कि आप तो रवि कापी के फैन है, हमें हेट दे रही हैं और आपने करना। हे हेलो, हेटर्स आर ऑन द ट्रेंड, वी आर ऑलवेज हेटर्स आर
मोटिवेटर्स एंड वी आर ऑलवेज विद आवर रवि सिंह. जो बात है कभी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह, नेवर, हमेशा साथ खड़ी रहूँगी. और अल्लाह करे रवि सिंह भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहें जिस तरह आप भी हैं. क्योंकि यार माशाल्लाह बोल दिया करो, मैं अभी भी कह रही हूँ माशाल्लाह बोल दिया करो. ये जो हेटर्स हैं ना, आप लोगों को पता है ये हेटर्स हैं, ये लोग ना टाइम नहीं लगाते फ़ौरन. प्लीज़ ये हेट छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. हम हेट नहीं दे रहे सही फॉरएवर, हम हेट नहीं दे रहे. हेट जो दे रहे हैं ना वो सबको नज़र आ रहा है कि हेट दे कौन रहे माशाल्लाह से. वो क्या बोलूँ मैं, अजीब अजीब सी कैप्शन लिख कर. हाँ भाई मज़लूम मज़लूम है वो. बस अल्लाह हमारे रवि सिंह को हमेशा हमेशा साथ रखे. आमीन. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज फरीन. आई होप आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे नज़र आ रहा होगा. हमारे रवि सिंह की हमें जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमारी पावर बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा रहेगी. मास अफदर की स्टोरी देखना ब्लॉग्ड, सॉरी टू से. आमीन आमीन हमेशा साथ है. आमीन आमीन. वैसे हम सबको चाहिए कि ये बात ख़त्म कर दें. उनको चाहिए था मास की रमिका की दोस्ती करवा दें, पर वो तीनों एक हो गए हैं. जी देखो अब मैं बोलूँ तो फिर मैं बोल ही देती हूँ कि जो शहीद साहब हैं उन्हें किस बात की बुराई, उनको क्या बुरा लगा जो उन्होंने रवि काफी को ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया. उनको ये बुरा लगा कि भाई देखो सबको पता मीटू और रवि काफी दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तो भाई आप अब रवि काफी अपने दोस्त की चीज़ें रिपोस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, उनकी तारीफ नहीं कर सकती, उनको बुला नहीं सकती, उनसे मिल नहीं सकती. क्यों भाई, किस चीज़ की पाबंदी है, किस चीज़ की पाबंदी है जो बता दो. हम सब अपने अपने दोस्तों को मोटिवेट भी करते हैं, उन लोगों की तारीफ भी करते हैं, मतलब यार उनको सपोर्ट करते हैं, तो उससे दूसरे दोस्तों को क्यों इतना जलन हो रहा है, मतलब उन्हें क्यों बुरा लग रहा है, क्यों? मैं वजह जान दूँ तो मुझे बता दे कोई क्यों. और इतना बुरा लग रहा है कि आप दूसरे को ब्लॉक कर दो, मतलब वाओ यार क्लैपिंग फॉर शहीद खान. और छोड़ यार, आप लोग बोलते हो हेट नहीं दो, उसके बाद आप लोग खुद ही सवाल कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ, क्या करती हैं आप? आई मीन स्टडी या जॉब? स्टडी करती हूँ मैं. था फनी, फनी था रियली. मुझे भी आप लोगों की स्टोरी बहुत फनी लग रही थी, तो अभी मैंने बोला जरा मैं यहाँ पर लाइव आ जाऊँ और थोड़ा फनी को और फनी बना दूँ, थोड़ा मजे करें यार. हेलो हेलो ये वजह नहीं है, प्लीज कीप क्वाइट. कुछ ऐसे बात हुई थी, मुझे सब पता है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है. अच्छा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम चुप रहते हैं. आप क्यों इतना रो रही हैं? मैं इतना रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ लाइक सीरियसली. मुझे लग रहा था कि आप लोगों का आंसू भय भय करना तो दरिया और समंदर हो चुका है, इतना रो रहे हैं आप लोग. तस्मीत से पहले ही शहीद सब रवि का कौन गलत किया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग पहले स्पॉट स्पॉट होता रहता था. आप कौन है रवि का? आप कौन है रवि का की? ऑफ कोर्स फैन, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनकी फैन. हाय हाय क्या मास की स्टोरी, तो देखो वो शरीर सबके पास गए हैं आज. आप भी बिल्कुल रविका की तरह मेकअप थोक कर आ गई. ओके थैंक यू सो मच. समय वॉल टू हफ्सा रविका की दोस्ती को नजर लगाई. हाय क्या है आप, इतनी ओवर एक्टिंग, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. तस्मीर तो शरीर से बड़ी है भाई. अच्छा
don't dare to say anything about her. Oh, thank you. यार मैंने कहा है ना हीटर्स को भूखना होता है, वो बोलो नहीं दो। मोर पावर टू आर गर्ल रबीका काशिप खान। यो काशिप हाय प्लीज रिप्लाई देना प्लीज प्लीज। क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्ट। आप भी लाइव आ जाओ। ये अच्छा था। आप सबको बोलो इस बात को खत्म कर दो, जितना करेंगी उतनी बढ़ेगी। जी ये रवि काफी बहुत पहले बोल चुकी है कि भाई बार बार ये सवाल करना बंद कर दो, उनका पर्सनल मैटर है यार, उनका पर्सनल मैटर है, वो कुछ भी करें। आपस में दोस्तों की लड़ाई नहीं होती क्या? तो क्या हमसे आगे कोई पूछता है मेरी और मेरी दोस्त की लड़ाई हुई है तो कोई तीसरा बंदा आके तो नहीं पूछ सकता ना कि यार हाँ चलो हम तो आम लोग हैं, मतलब हम लोग कोई फेमस कोई सेलिब्रिटी या कोई टिकटॉकर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हैं उनसे लोग पूछेंगे, उनके फेम उनके फेम बोल रहे फैंस जो हैं वो पूछेंगे। तो भाई अब उनकी पर्सनल लाइफ भी पूछोगे क्या? वो कुछ भी करें कुछ भी यार, मतलब मास्क बेगम को देखो बोल रही है बीगा एक लग बार बार अपलोड करती है लाइक सीरियसली। हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना था कि सबा जो है वो ये बोल रही है कि रबीका आप ही जो है वो एक ही लोग बार बार अपलोड करती रहती हैं। कहाँ देखा? अरे देखो भाई हीटर्स नज़र रखते हैं, देख रही हैं देख रहे हैं ना फिर आप लोगों को नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, सब पर नज़र है उनकी। कोई कुछ लोग खांसी हो कुछ भी हो फ्लू हो फीवर हो वो लोग तो व्लॉगिंग करते हैं ना, वो मैंने डाली है ना स्टोरी रवि काकी की भी अपनी लाइफ है, उनको भी बुरा लगता है वी नो। जी आपको पता है लेकिन छोड़ो यार एंड लाइक सीरियसली यार किसी के पास मतलब आपका आंसर नहीं तो वो भी थैंक यू सो मच यार। नहीं मेरा लड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, आपका दिल चाह रहा है तभी आप इस तरह का कमेंट्स कर रही हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। मैंने तो कहा है कि मुझसे दूर ही रहें, शाफसा और मास के मैंने जो एक हो गए ना वो दूर ही रहें, वो ये दो लोग होकर मतलब तीन है ना शाप है तो दो शाफसा की पावर और मास की तो वो एक हो चुके हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रबी से नहीं किए। कोई मुझे बता सकता है कि कौन एक लॉग बार बार पोस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सबा? अरे सबा को तो पता होगा ना कि कौन ये एक लॉग बार बार अपलोड करता है, उनके पास ही तो रहते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब उन्हीं के साथ ही तो रहते हैं वो जो एक ही अपलोड करते रहते हैं व्लॉग। बहन भाइयों की भी लड़ाई होती है पर ये सबसे एक बार से छोड़ दो बात नहीं सुन रहा कभी। हाँ डेली व्लॉग तो देखो मस्त का। हाँ परिया वो परिया ये एटीट्यूड बाय वो कुछ भी मतलब ये दो बंदे हैं उनके व्लॉग में और वो एक ही बात करते रहते हैं। हेटर्स का काम है भोंकना, बोलने दो जो बोल रहे हैं तो भोंक ही रहे हैं, वो चुप ही कब हो रहे हैं। व्हाट्स योर नेम करीम? अफसा की भी अपनी लाइफ उनकी लाइफ तुम क्यों जान रही हो? देखें मैंने भी यही कहा है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैंने कब कहा सिर्फ रबीका आपी की पर्सनल लाइफ है? मैंने कहा है कि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, शहीद की अफसा की सैनभा की रबीका आपी की मास की सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं ना उन सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं भाई। अब यार मुझे हेट तो ना दो, आपको हेट कोई नहीं देगा, आप खुद अपने आप को बोल लीजिए मैंने आपसे लड़ने का नहीं कहा था। वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह जो बात है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मोर पावर टू देम, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सबकी सोच से हार है, चुप चाप सब कुछ सहने वाले हैं वो, स्ट्रॉन्ग ही होते हैं जो कि स्टोरीज लगा लगा कर बोलते हैं ना कि दोस्तों से अच्छा जान जान करने वाले दोस्तों से अच्छा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जानवर हैं तो ये
छोड़ो यार छोड़ो, फिर आप लोग बोलो कि बोलो मत, हेटर्स हैं बोलेंगे तो सही, खुद जैसे हैं दूसरों को भी वैसा ही बोलेंगे। यस क्यूशियस रवि का, हे कहीं हे बोरिंग लाइफ। हाँ आप जा सकती हैं, हाय हाय सब बहुत नोट करती है ना हमारी बीका को, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना आप लोग कॉपी करते हैं हमारी बीका को भाई सब, और ऊपर से हर वक्त तुम उन पे नजर रखनी है, इसका मतलब है पल पल का व्लॉग हो कुछ भी हो ने सब पता होगा। तो आप अपने हेटर्स के भी व्लॉग देखती हैं, अपने आइडल को सपोर्ट। जी बिल्कुल, मास का एक ही तो कंटेंट है, घर में भी व्लॉग बनाता रहता है। देखो वो उनकी मर्जी, मास की मर्जी कि वो घर का व्लॉग बना रहा है, बाहर का व्लॉग बना रहा है, समंदर का व्लॉग बना रहा है, या बोल का व्लॉग बना रहे हैं, कचरे का व्लॉग बना रहे हैं, या गोल्ड का, या एनीथिंग किसी भी चीज़ का व्लॉग बना रहा है, इधर उधर की जिस चीजों के भी। उसके घर में कुछ हो रहा है, अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो, या उसके बाहर कुछ हो रहा है, या वो कुछ भी कर रहा है, वो व्लॉग बना रहा है, वो उसकी मेहनत है। लेकिन जो उनके साथ है ना, वो जो इस तरह कहेंगी ना, एक रवि का आप जो है वो एक ही तरह की व्लॉग बार बार डालती थी, कहाँ देखा है भाई आपने, मैडम हमें भी बता दें। एंड हमारा एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना है ना जी, बिल्कुल यही काम है हमारा। और रवि का भी ये कर भी नहीं थी, लेकिन बार बार अफसर ने स्टोरी रिपोस्ट की थी, रवि का फेस ने लगाई थी जी, उसमें उन्होंने कहा था अपने आइडल्स को मेंशन करने के बजाय मुझे मेंशन, मतलब दूसरों को मेंशन कर दिया। उनकी आंखों में खराबी हो गई, उस उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, आंखों का जो बेस्ट डॉक्टर है उन्हें अफसर खान को दिखा दिया जाए, उन्हें मेंशन भी नजर नहीं आ रहा शायद। थ्री पेंडम्स वन पेंडम से लड़ गए, हाँ बट फिर भी हम जीत गए इंशाल्लाह रवि का, अल्हम्दुलिल्लाह सेम आईने की आई थिंक। तो सादिया सादिया ने फालतू व्लॉग मास्क नहीं, प्लीज ऐसा नहीं बोले, उनकी मेहनत है, वो कुछ भी करे वो उनकी मेहनत है भाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सामने तो बोल नहीं सकते, बस स्टोरी सी लगा सकते हैं जो बात है, ये काम है भाई उनका। बस यार अपीस की क्यों लड़ाई हो रही है, हम लड़ी कब रहे हैं भाई, हम लड़ नहीं रहे। और हम लोग जो है वो एक एक को जो है वो मैसेज करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कारण में, जैसे कि आप लोग छोड़े हैं जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि अब आप लोग देखिएगा हम क्या करेंगे, अब आप लोग देखिएगा शहीद फैम, हफ्सा फैम, शाफ्सा फैम, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब भाई कर लो जो करना है, हम इतने फारिग नहीं है कि हम इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग मी, ओहो मनी किसी बातों पर थैंक यू नहीं करा करें भाई, बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे लड़े ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मैं बस आपको समझाना आई थी, लेकिन आप वो ओके कैन गो, आपकी किसी जगह जा सकते हैं। हाँ भाई हम रवि कापी की तरह, क्योंकि हम रवि कापी का फैंडम है तो उन्हीं की तरह होंगे ना, बिल्कुल नरम मिजाज, किसी को कुछ ना कहने वाला। हमने भाई मुझे बता दो आगे हमने किसको क्या चुभा, कौन सी सुइयाँ चुभाई हमने आकर, हमें बता दो। सॉरी कहीं नहीं यार, हाँ इस बात को सॉरी, मोर पावर फॉर एवरीथिंग। आप बहुत छूट हो, थैंक यू, पढ़ लिया। और आपकी असलियत जो आप शुरू से दिखा रही थी ना, वो आपने एंड में दिखा दी बिल्कुल शाफ्ता की तरह। आपने कभी रवि से मुझे बात की, इन शाला बहुत जल्द भी काफी के मैसेजेस आए हैं, पावरफुल रवि से। यस आमीन, यस अपनी अपनी लाइफ जीने दो शाफ्सा रबीसिन को। क्यों शाफ्सा के फैन आकर रबीसिन से मतलब मैसेजेस कर करके पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई हुई, आपकी लड़ाई हुई है, और क्यों हम बल्कि हम तो नहीं पूछते, फिर जो पूछते होंगे वो रबीसिन फैन नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग आपके ही नहीं पूछते। आप लोग देख लो ना कहाँ पे शाफ्सा ने इतना रिप्लाई करें, बार बार किसके क्यू एन ए में डाला, और हो मैंने अभी देखा शाहिद खान ने क्यू एन ए डाला हुआ है भाई,
नहीं कब से ना हो पाएगा, तो सिखाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। देंगे इंडिया फिर जो दूसरों के बारे में आगा रही है वो अपने मासूम मदर्स के लिए। खामोश प्लीज, जब बात करने का तरीका नहीं आता तो मत बोला करें। लो जी नक चोरी ना हो तो। ओह माय गॉड, ज़्यादा मत बोले, बहुत हो गया। तमीज़ सीखना है यार, मुझे बहुत तमीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमीज़ से ही बात कर रही हूँ कब से। ये हम भी रवि को और रवि से इनकी तरह स्ट्रॉन्ग। बस यार ये तो कोई यहाँ पे आके मुझे भी बोलना है, मुझे क्यों हेट दे रहे हो। बल्कि अगर आप लोगों को देना भी है ना तो मैं क्यों केयर। आई एम ऑलवेज हियर फॉर रवि से। लो कुछ नहीं मिला तो यही बोलना शुरू कर दिया। बोल लो भाई, बोल लो, मना नहीं किया, थोड़ा सा और बोल लो। और पेन भाई बना दिया ना, शुक्र, बहुत अच्छा काम किया। जो मतलब यार शाम से जब पहले बहन भाई बोल लेते थे फिर बेस्ट में बोलते हैं, मतलब फिर आगे छोड़ो यार, अपना आइडल वाले काम दूसरों के ऊपर मत थोपो। आग लग रही है ना शहीद और सब फैन, और आग लगते लगते जल गए। In fact, we are proud to have an amazing name from her. Yes, alhamdulillah, proud to be her fan. जितना अच्छा तुम लोग बनते हो उतनी वो नहीं रखता गीता। हमने पूछा ही नहीं था आपसे कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। शट अप शाफ्सा को कुछ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रही मैं शाफ्सा को। मैंने कब कुछ बोला शाफ्सा को, मैं तो वही बता रही हूँ कुछ रियलिटी है। अल्लाह रवि का कुछ थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड टू हैव समवन लाइक यू। अब भाई तुम लोग वर्ड्स भी चोरी कर लो ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्राउड भी होना चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग एक स्टोरी लगा लगा के दूसरों को भी मिल रही। से माय नेम प्लीज, तारण नुमारा, क्या है अजीब सा नाम लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। सॉरी अगर गलत कमेंट्स कर लिया हो। ये भी वीडियो शुरू की हेट वाली अभी बात हो चुकी है वहाँ से शुरू। आपको बहन में लगते हैं तो अपनी की लाइफ में आई हूँ, साफ साफ नहीं लगा रहे। वाह चिंता मैंने क्या दिया है, मज़ा आ गया। हम ही बहुत उनके बारे में स्टोरी डालते हैं बुरी बुरी, कभी उनकी लड़ाई हम नहीं डालते थे भाई, हम कब डालते थे। और हमारी वजह से लड़ाई कब हुई है भाई, उनका वो पर्सनल मैटर है, प्लीज़ यार इस बात को समझ लो। शाफ्सा सिस्टर एंड ब्रदर गोल्स, नहीं प्लीज़ ये नहीं कहो क्यों किसी के, हमें क्या, मैं कुछ भी हूँ। प्लीज़ कॉल माई नेम अनमता अली, ये अनमता अली। रविका की चीटिंग कर ली शहीन ने, कोई और कंटेंट नहीं मिला तो क्यों है नहीं लगा दिया। यस मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि रविका ने अभी लगाया था क्यों है ने, और वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं उनकी तरह कि फिर से बना लिया, फिर से ये कर लिया, हमेशा एक ही कंटेंट लेकर आती रहती है और कोई काम ही नहीं, हर वक्त मेकअप थोप के बैठ जाती है फलाना निमकाना। बोलो यार बोलो ताकि हम लोगों को ना मज़ा आए, और रील्स बनाने में मज़ा आता है ना, फिर वो हेटर जब बढ़ते जाते हैं मोटिवेट होता है बंदा उनको। बोलो शाफा तो थे ही बहन भाई पहले से, हाँ ना पहले से बहन भाई हैं, उनकी मर्जी। हाँ हाँ उनकी मर्जी बिल्कुल, हम कब रोक रहे हैं, मैंने उन्हें रोक लिया, उनकी मर्जी है ना जाहिर है। मैं तो सिर्फ आके कह रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि अब आप क्यों डालना है, मैंने तो आकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा उनसे जाकर, कौन सा उन्होंने सुन लेना है। नफरत से पता चलती है जी, जो आप दिखा रही हैं कब से, आपकी असलियत वहीं से पता चल गई। ये बातें बताई नहीं जाती। लिसन लिसन जी जी, थैंक यू, पूछा ही नहीं था।
बहन भाई थे, देखते देखते ना मतलब रिश्ते बना लगा मुझे। कैप कट, इन शॉर्ट, पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट से मैं कवर्स बनाती हूँ, इन शॉर्ट से और कैप कट से वीडियो एडिट करती हूँ। बदलिया मतलब यहाँ आके खुद ही बेजार हो रहे हैं, ये सही था हीट। अरे साफ का टाइम था, मैं समझा ना दो वेट एंड बॉल और कितना वेट करेंगे यार। जी भाई पता नहीं कितना वेट करना है हमें, कल पता नहीं ऐसा क्या तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा भाई। हाँ मुझे समझ नहीं आता रोज रात को इतना रोना धोना क्यों मचता है, क्यों कौन सा दुख मिलना है भाई आपको? और अगर पर्सनल में मिलना है तो ये पर्सनल में दुख है तो पर्सनल ही रोना, स्टोरीज पे क्यों जाकर रो रहे हो भाई? वर्ल्ड माशाल्लाह माशाल्लाह इवलाइज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर। मैंने कब कहा कि वो अच्छी नहीं है? बीका आप ही ने तो अभी एक जवाब दिया था, देखना कैसी मिर्ची लगी आपको। जी मतलब यार साफ सारा मुँह मिट्टी चूहे यार, नहीं किसने ना प्यारे हैं साथ अच्छे लगते हैं और हम उनको जाकर बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। प्लीज से माई नेम मोमिना, हे मोमिना शाफसा रवि सिंह की कॉपी करते हैं, जैसे अभी का आपने सैन भाई की बर्थडे पे सरप्राइज दिया वैसे अफसा भी शहीद को दिया, उनकी स्पेशल बने भाई वो, अच्छी बात है अगर कॉपी कर रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अफसा तो शहीद का सेकंड ऑप्शन है, उसके दिल में तो आज भी तस्मीत ही है, अल्लाह जाने और उनका दिल जाने। रात को जो वो रो रो कर जो सिगरेट चढ़ा रहे होते हैं, मतलब यार अगर सही है होगा कोई पर्सनल दुख होगा कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, सही है प्रॉब्लम तो भाई पर्सनली जाकर लो उसी को जाके अपना दुखड़ा सुनाओ ना, जो कि जिसकी वजह से परेशान हो। यहाँ पर सबके सामने स्टोरीज पे रो रो कर दिखाते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही सैड है, लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है फिर भी हंस रहे हैं, तो भाई फिर बता भी दो मसला क्या है। साफ साफ फॉरएवर इंशाल्लाह, बेटे हम नहीं रवि का फैन हमको धमकियां दे रहे हैं, बेटे रवि का फिर रवि का डैडी की स्टोरी देखो, हम कुछ नहीं करने वाले आप लोगों की गलत फैन है तो थोड़ा हटके हो गया। आई एम नॉट हेटिंग रवि का फैन, हम भी साफ साफ फैन को बिल्कुल हेट नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा। सारी लड़ाई शाफसा फैन मुफसा फैन शहीद फैन की वजह से हुई है, लड़ाई किसी और की वजह से हुई है जिनको यही नहीं पता वो ब्लॉक किए हुए हैं। Why do you hate शाफसा? मैं कब शाफसा को हेट दे रही हूँ यार? देखो मैं फिर कुछ बोलती हूँ, आपको पता है इसको हेट दे रही हूँ उसको हेट दे रही हूँ, मैं किसी को हेट नहीं दे रही। Want to be in your life? मैं आपको लाइव ले लेती लेकिन नेट प्रॉब्लम हो जाता है, बट दो लोगों के लाइव में आकर ना मेरे मोबाइल में मसला हो जाता है। क्या बोल रही हो? अगर सही अफसर से इतना ही खुश है तो रोज रात को रोना धोना क्या लगा रखा चोरी का? अगर अफसर से इतना ही खुश है तो और अगर बोलने पर आ भी गए ना रफीका हुसैन तो बताओ सब क्या बोलेंगे? जेलिस, जेलिस है इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, सब कुछ ही इन्हीं की वजह से हुआ है भाई, बल्कि स्टिल अभी वो ये बोल रहा है तो फिर जब उन्होंने बोल दिया तो फिर क्या ही बोलना शुरू हो जाएंगे ना।
काइंडली अप्सा माय वर्ल्ड प्लीज अपनी प्यारी सी अप्सा को ये लाइव वीडियो सेंड करो और बोलो ये देखिए उनका फैमिली किसी को बुरा नहीं चाह रहे हैं और सोशल टाइम थैंक यू सो मच यार मैं क्यों बुरा चाहूँगी उनका वो अच्छे हैं वो साथ अच्छे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हें अल्लाह उन्हें बुरी नज़र से बचाए यार मैं उनको कुछ नहीं कह रही आप लोग गलत समझ रहे हो मेरी बातों को क्या रबी से इनकी शादी हो रही है सवाल ऊपर से आया है वैसे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार लास्ट फ्रेंड नहीं हूँ और अगर ऐसा कुछ होगा तो 4-5 साल बाद यार हेलो डियर हेलो जिन चाहलों वाली लैंग्वेज अपने पास आपको मैडम थोड़ा और पढ़ो बेटा अच्छा होगा तुम्हारे लिए ध्यान दो पढ़ाई पर जाए बने ऐसा नहीं बोलो यार प्लीज क्यों किसी को हेट दे रहे हो यहाँ बैठ कर क्या होगा सिर्फ लड़ाई ये साफ सा ही बहुत बोल रहे रवि सिंह ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला ये तो आग लग ये सहा नहीं जा रहा बिजली जी यार और अभी तो रवि सिंह बोलने भी नहीं आए जब बोल देंगे तो इन लोग जल के राख हो जाएंगे इनके ना राख हो गई है ऐशो सुनिए अफसर के लिए तो सबसे बड़ी बेशर्मी ये है कि अफसर जी को सेकंड अच्छा बस नहीं ट्रेन बस तो काफी छोटी हो गई ट्रेन लेकर आओ यार ज्यादा से ज्यादा ये होगा प्यारी सी अफसर अफीका के लिए हेड स्टोरी डाल देंगे और कुछ डाल देंगी यार डाल रही है मतलब यार जल जाओ यार अभी नहीं कर सकता तू आज मतलब नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं क्या हो गया इतना मत जल यार उनके अपनी पर्सनल लाइफ है आपके लिए छोड़ कितना रोया शहीद के लिए कि उसका भाई उसे वापस मिले और फिर भाई की सारी खुशियाँ छीन कर उसे फ्रेंड बना लिया लाइक शाक्षा फैन टू हेड फैला रहे हैं हमारी बीका तो मासूम सी है हाँ ना वो कुछ भी नहीं बोलती ना उनको लगता है कि वो मासूम नहीं है वो बहुत चढ़ा के इसलिए वो चुप होके बैठी है आज तीन के साथ नजर आ गए फाइनली यस ये जो ये शहीद का कोई फैम है यहाँ पर वो यहाँ घूम रहे हैं है ना वो ना पहले ना बड़े प्यार से बातें कर रहे थे वो ना आप यूं नहीं करो आप यूं नहीं करो फिर देखते ही देखते ना शहीद वाली हरकत करी आहिस्ता आहिस्ता ना वो सांप निकलता निकलता मस्तीन से ना बाहर आकर डसना शुरू हो जाता है ना बिल्कुल वही हरकत की है शायद यही वजह है के पास तो फैन पेजेस ही नहीं है ना जब ही तो सबा माजर फाइव वाला फैन पेज चला रही है नहीं फैन पेजेस हैं या नहीं इसमें हमारा कोई मतलब हमें नहीं करना है इस मामले में उनके फैंस इतने भी हैं उनके लिए लॉयल हैं उनके तो वो सही है उनके उनके ऊपर छोड़ दो ना वो लेकिन ये जो सबा आपी ने जो ये FB बना रखा है ये बहुत अजीब सी बात है यार आप खामोश रहे आप रवि के पेंडम से नहीं तो खामोश रहे वरना मिलकर रिपोर्ट करेंगे आपके पेज को ज्यादा बोल रही हैं यार नेम करीन लिसन जी सबकी लड़ाइयों में ज्यादातर हाथ फैन पेजेस का होता है फजूल स्टोरीज लगा के और लड़ाई करवाओ ओके सपना कल ना छुरियां कांटे और ना तलवारें और ये बंदूक सब लगा लगा कर ना फिर हम लड़ाई करवाएंगे फजूल
करीब सही बात है यार। थैंक यू सना। अरे सना आई है। हेलो सना, नहीं बहुत प्यारा है आपका। थैंक यू। एनी फराज मिस्ट्री, एनी झाइलों वाली हरकत आपसे करवा लो। तो कोई तो झाइलों वाली हरकत करने बैठा है ना यहाँ पे, तो हम ही सही, हम ही सही। उनका पर्सनल मैटर है, वो ही रिसॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या कब से कह रही हूँ, कब से मैं लड्डू पेड़े बांट रही हूँ, या मैं कब से यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं कब से आप लोगों को यही कह रही हूँ, उनका पर्सनल मैटर है, उनको सॉल्व करने दो। हेलो यार, वो लोग दोस्त हैं, कल को ठीक हो जाएंगे, तुम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इसलिए छोड़ो। उनकी लाइफ में नाराज हैं, कल ठीक हो जाएंगे। नाराज वाली बात अलग होती है, अलग होती है नाराज वाली बात। आप कौन सी क्लास में? 8 में हो। हाँ, वादा करें कि वो किसी को भी हेट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम हेट देते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानियत नाम की चीज़ है हम में। मैं लाइव इस वजह से नहीं आई हूँ, टॉपिक आप लोगों ने निकाला था। एनी भी आज एक्टिव नहीं है। हाँ एनी, मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। चल ये देखो, यहाँ पे ना तमीज़ वाले लोग आए, चल निकल। मतलब बहुत तमीज है यार इनमें, इंसानों वाली हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सी माई नेम करिया, हे करिया, आप क्यों बोल रहे हैं, कभी शाफ्ता, कभी मास, कभी रवि सेन। मैं भी 8 में हूँ। ये मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, प्लीज आप, मैं इस तरह के घटिया कमेंट्स नहीं करें। ठीक है, ये दुआ करें यहाँ के उनकी दोस्ती। बहुत दुआ करिए भाई, बहुत दुआ करिए, लेकिन औकात दिखा रहे हैं, तो अब हम क्या करें भाई, क्या करें। स्कॉट, स्कॉट पसंद था मुझे, मैं कोई स्कॉट की हेट थोड़ी हूँ, हेटर थोड़ी हूँ मैं। रविशन से चलते हैं सब। यस रविशन, जब तक रविशन नहीं बोलते तब तक सफर करना पड़ेगा। यही तो, वो लोग कुछ बोलते ही नहीं, और अच्छा है नहीं बोलते, वरना उसको भी हेट बोल देंगे ये लोग। ये अब रविशन जो है वो बोलना शुरू हो गए, अब तो रविशन भी बोलना शुरू हो गए। मतलब अगर इंसानियत है तो लाइफ आके क्या कर रही हो, किसकी बुराई कर रही हो? मैं किसी की बुराई कर रही हूँ? मैंने बुराई करी? मुझे बता दो कि मैंने किसी की बुराई करी है। सलाम सलाम सलाम, वालेकुम सलाम। आप आ गए घटिया लफ्जों, आप आ गए इन घटिया लफ्जों में औकात। आप उनको क्यों उनकी औकात दिखा रहे हैं? मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं जवाब ही नहीं दूंगी, छोड़ो इनको। सना, अगर इन लोगों के जवाब नहीं दो तो ये लोग कंटिन्यूअसली एक ही बात करे जा रहे हैं। मैं ये बात करने यहाँ नहीं आई थी, मैं बहुत बोर हो रही थी इस वजह से यहाँ आ गई। ओवर एक्टिंग पहले कम करो, मेरी मर्जी, मुझे तो ओवर एक्टिंग करना पसंद है, तो मैं तो करूंगी। जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ से जा सकता है। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, रवि सिंह आर द बेस्ट, माई मोस्ट फेवरेट। नेम नेम मेरा है करीन, करीन करी। अजीब नफसियाती, अभी बोल रही हो, जवाब नहीं दूंगी फिर से। मैंने कब कुछ बोला? कब बोला मैंने भाई अभी कुछ? हाय सिस, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। चल निकल यार, ये एक ही कमेंट बार बार करे जा रहे हो। चल निकल, चल निकल।
कहाँ से हैं आप भी? आई एम फ्रॉम रांची। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। मैं लाइव आती नहीं हूँ अब, और आज मैं लाइव आई थी क्योंकि बोर हो रही थी। मुझे नहीं पता था यहाँ पे चले कुकड़े अभी जिनकी भड़ास अभी अंदर रखी है उन्हें वो निकालनी थी। मुझे पता हो क्योंकि मैं लाइव नहीं हुआ थी। बहन तुम चली जाओ, दोस्तियाँ खुद हो जाएंगी। मैं दोस्ती करा भी नहीं सकती यार। से उरुज, हे उरुज, हेलो हेलो। बैड कमेंट करने वालों को इग्नोर करो क्योंकि इनका इलाज ही इग्नोर है। कर भी और क्या सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो चुप ही नहीं हो रहे। बोर होके बुराइयां कौन करता है बहन? मैं बुराई कब कर रही थी यार, मुझे बता दो मैंने बुराई कब करी। अब अभी से इनका कोई रिएक्शन लेना चाहिए ना। हाँ कहाँ से हो साया? जाहिल लोग आ गए सारे। कौन से स्कूल में आप कहाँ रहती हैं? मैं दी स्मार्ट स्कूल में हूँ, रांची से। रविजन की फैन हो ना, जैसे वो कम होते ना तो आप भी रहो। जब वो कुछ नहीं बोल रहे तो आप कौन होती हो? उन्हीं से कुछ सीख लो। मैंने से कुछ बोला? ज्यादा बोल दिया मैंने? सही सही है। हंसी आ रही है? अभी तुमने कुछ बोला ही नहीं है, तुमको ज्यादा लग रहा है। ज्यादा बोलूंगी तो फिर इन लोगों को क्या लगेगा? जीप जीप से लोग, अजीब अजीब सी बात है। एक्चुअली मेरे लाइव आने का मकसद बिल्कुल ही ये नहीं था। लोगों का काम होता है जलना इनको इग्नोर करें। लोगों का काम होता है जलना इनको इग्नोर करें। कौन सी ब्रांच में स्मार्ट स्कूल की? मैं भी इतना सवालों का तो जवाब ही उसे बेटा मेरे सवालों का तो जवाब ही नहीं है तो बेटा खामोश रहना बेहतर है। मैं आपके बातों का जवाब बहुत पहले ही दे चुकी हूँ, अगर आपको कुछ याद हो तो। आप एक ही बात ना पागलों की तरह डिफरेंट डिफरेंट वेज में करे जा रहा है। आप ही वहाँ पे क्या? थैंक यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। अभी टाइम हो रहा है 1:30 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही जल्दी की बदबू आ रही है। हद से ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी ज़्यादा। ये लोग सामने बात नहीं कर सकते, बस अपने फैंडम को बोलते हैं दूसरों के एड्रेस को हेट दो और उनके फैन पेजेस से लड़ो। हाँ लेकिन वो लोग स्टोरीज से आके अपना फर्ज निभा रहे थे कह करके नो हेट, हम अपने फैन पेजेस को ये नहीं बोलते वो नहीं बोलते। मैं किसी की भी फैन नहीं हूँ, बट आप लोगों को देख के कुछ होता है। ज़्यादा लड़ाई आप लोग करवाते हैं उनके पर्सनल लाइफ में, घुसते और लड़वाते हो, जस्ट शेम ऑन यू। आप ग्रेट हो तो सी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। तो सी ग्रेट हो, अच्छा था। आपको रिकॉर्डिंग पसंद है? उनकी शादी हो जाए मेरी 4-5-6 साल बाद। वीका भी बोलती है 5-6, 4-5 पता नहीं है साल कब हो गए। आई थिंक मुझे लाइव से चला जाना चाहिए।
सही आंसर दे रही हैं आप सब हेटर्स को। थैंक यू। वैसे मैंने अभी सही का आंसर दी ही नहीं है, हद से ज़्यादा ओवर हो रहे हैं लोग, क्योंकि वाकई ग्रेट हो। थैंक यू, थैंक यू। तो सड़क का ही हो चुके जाओ, तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू सो मच फातिमा दिल 25। जस्ट शट अप गाइस और चुप हो जाओ, बिकॉज हेटर आर आल्सो मोटिवेटर्स। यस, कीप हिटिंग गाइस, चली जाओ, आप चले जाओ, मैंने आपको रोका नहीं। आप रवि का आपकी आप रवि का आपकी एक्शन कर रही हो ना, बहुत प्यारी लग रही है। मेरे कभी एक्शन करूँ शायद यार, अभी तो कुछ मेरे पास के साल। हाँ enjoying your life session। अब तो मैं बंद करने का सोच रही हूँ, बहुत हो गया। मैं जिस मकसद से आई थी वो मकसद नहीं हुआ, मैं जिस मकसद से नहीं आई थी वो मकसद हो गया। मुझे पता था मैं लाइव आऊंगी और सब मुझे बोलना शुरू हो जाएंगे, शाप है मास फैम, वही हुआ। लाइव लेने प्लीज, लाइव नहीं ना फिर लाइव हैंग हो जाती है। आई लव योर फैन पेज, बहुत ही ओला एडिटिंग होती है। थैंक यू सो मच ओला माहिंग की, और इससे मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही ओला। इतनी ओला एडिटिंग कहाँ से सीखी, खुद ही आ गई माशाल्लाह से, इतना टैलेंट है। नहीं बंद करो, मैं बैठे बैठे अब तंग आ गई, एक ही सवाल सब लोग करे जा रहे हैं। हाँ बहुत बेइज्जती हो गई तुम्हारी, अब जाओ शर्मा। नजर आ रहा था किसकी बेइज्जती हो रही है, वो भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ गया। आप सो जाएं, बहुत रात हो गई, आई थिंक सबको नींद आ रही होगी जो भी यहाँ। मैंने लड़ाई कब करी है भाई, मुझे बता दो मैंने लड़ाई कब करी। लड़ाई वो लोग कर रहे हैं जो स्टोरीज पे ना नाम बगैर मेंशन करें, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। रविका को भी लाइव लो, काश ये मुनीब खान 152 किसका है, इनका कमेंट, जिनका कमेंट नहीं मिल रहा। ग्लास हिल रहा था, मैं डर गई। वीका आपकी फर्स्ट टाइम आपने भी गेम शो में देखा? जी मैंने गेम शो में ही देखा था, मैंने रमजान लीग से ही मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। आप रविका से मिली नहीं, मिली मेरा भी काफी से कभी, जब तक बहुत ज्यादा चांसेस मिले लेकिन मैं कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरी किस्मत ही खबर उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे हैं यार, सभी फेवरेट है मुझे पूरा, और रवि सिंह फैन फेवरेट है मेरा। सबकी आईडी सबके की जगह बहुत अच्छी होती है। कैटो
टीवीएस रविका प्लीज आयशा प्रो, बाकी मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन। TBH Lali, I loved Ravi Sen Lali one and only my favorite. मुझे इतने पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मुझे जैन भाई और रवि कापी के बाद लाली ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इतना अच्छी नेचर का बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब वो हमेशा सपोर्ट करते हैं रवि सर को अपने बच्चों के, मतलब अपने छोटे बहन भाइयों की तरह रखते हैं, जो बहुत पसंद है। उसकी नेचर तो बहुत ही अच्छी है। लाली तो लव है। सो ब्यूटीफुल सोनू, हेलो मेरी जान, एज योर मावर। हेलो, और आप यहाँ, मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहे हैं यहाँ पर। एडिटिंग खुद सीखी, ऑफ कोर्स मुझे आकर किसी ने नहीं सिखाई। एल्यूरिंग मामला है ना, इनको पता होगा कि मैंने कैसे कैसे सीखी है। मतलब मैंने पहले मैं बहुत बुरी एडिट्स करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। अभी भी बहुत आगा नहीं हुई है, लेकिन बेहतर है। लाली इज द बेस्ट। यस, TBH हुसैन सर, नो वर्ड्स फॉर हिम। उनसे अच्छा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वो इतने, मतलब मैं क्या बताऊँ, उनके लिए तो वर्ड्स खत्म। अपने फैंस से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सोच से ज़्यादा। उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो जैसे भी, उनका उन, मतलब वो सैड हो, वो हैप्पी हो, लेकिन अपने फैंस को सैड, नो वे। वो सैन तरीन ही नहीं है जो अपने फैंस को सैड होने देगा। एनीथिंग अबाउट लाली, अभी बोला है ना, लाली तो मेरा रवि सेन के बाद फेवरेट है। मतलब वो बहुत अच्छे हैं, उनकी नेचर इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। हर किसी के साथ तमीज से पेश आना। रबीका को भी लाइव ले, मैं रबीका भी को लाइव नहीं दे सकती। आप मुझसे बात करें प्लीज, मुझे आपके बहुत पसंद है, मैं हमेशा देखती हूँ। थैंक यू सो मच। देखो, तुम्हारी ओवर एक्टिंग से 16 लोग रह गए। उन 16 लोगों का भी थैंक यू सो मच, और जो चले गए उनका भी शुक्रिया कि वो आए थे। आप भी प्लीज चले गए तो कम हो जाएंगे। सफाई हो रही है मेरे अकाउंट की। मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, अच्छी लगती है। आपका रविसेंट फैमिली पिक कैसी लगी? अच्छी लगेंगी ना यार। किस चीज की वजह? मैं थक गई, जब आप देखे देखे मेरा गला सूख गया। और उल्टी आ रही है तो प्लीज वॉशरूम में जाइए, इतनी वॉमिटिंग हो रही है। तो आप अब तक हुसैन और रवि कापी की फेवरेट पिक अपलोड कीजिएगा। मुझे तो सारी पिक्स बहुत पसंद है, लेकिन हाँ कुछ हैं। अच्छा, मैं एक नहीं करूंगी, मुझे जो तो पानी पी लो। लाइव से जाऊंगी ना, फिर पी लो। मेरी आपसे बात करने का बहुत दिल करता है, प्लीज़ बात करें ना मुझसे आपकी। और कर तो रही हूँ, आप यहाँ पे बात कर लें मुझसे। किसी की DM एक्सेप्ट नहीं होती, सॉरी। TBH सेंड फैमिली भी बता दें प्लीज़। सेंड भाई की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब यार, कुछ लोग आदत के बहुत अच्छे होते हैं ना, उनमें से हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। मैं उनके सिस्टर भी बहुत पसंद है, मुझे उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। अभी कल के यूट्यूब पे से लड़ाई के बाद 804 के हो गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, वो जो लड़ाई के बाद कम हुए होंगे ना, वो हेटर्स थे, तो अच्छी बात है ना, उनको तो प्यार चाहिए।
यार जल्दी से मनमिलन कर दो रवि का अपनी के यूट्यूब चैनल पे, बड़ा मजा आएगा फिर। मुझे नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही, मैं इस टाइम सोती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है, मैं को फिल्टर चेंज करती हूँ। यार रविशन मंडे वाले दिन बहुत अपसेट थे। व्हाट इज दिस नकली मेकअप, ये मेरे लाल टमाटर कर देंगे, मुझे पता था मुझे बहुत 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 बुरा बना देगा। आई थिंक सो दिस वन इज मच बेटर। यार बेस्ट है, आप अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी हुई ही नहीं तो अच्छी कैसे लगूंगी। कभी सोचो, ऑफ कोर्स यार, जैसा अजीब सा सवाल था यार, अजीब लोग यहाँ ना आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी प्लीज। और फिल्टर्स देखते हैं, अच्छा अच्छा आपको क्या लगता है बीकापी के जो 800 के उस पर्सन, सैन नहीं हुसैन, सैन भाई ने जो सरप्राइज देना है वो क्या होगा? पता नहीं वो क्या होगा, अच्छा ही होगा। यार आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम कराची। भाई अभी मुझे लगा शायद आप आज आप मान लेंगे बात करने के लिए, बट कोई बात नहीं, कभी तो करेंगे ना बात मुझसे। यार आप ऐसे नहीं कहें, असली फेस दिखाए, असली फेस में ऐसा क्या होगा, असली फेस भी वैसा ही नजर आएगा, लाइटिंग कम है यार, मैंने इस वजह से असली फेस नहीं दिखाया बिना फिल्टर के, बिना फिल्टर। देख लिया खुश, बिना फिल्टर के ऐसी ही हूँ, अब बोलेंगे बगैर मेकअप के। तो मैंने मेकअप में सिर्फ और सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगाई हुई, कुछ भी नहीं लगाया, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। वो क्यूट, आपका नेम करीम, टीपीएच 26M फैमिली, अभी तो बोला है बहुत ज्यादा अच्छी है, और अब तो उन लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है। आपने अफसा की स्टोरीज देखी? जी जी बिल्कुल, मैंने देखी है उनकी हरकतें, नहीं देखूंगी तो फिर और क्या देखूंगी। ये भी ठीक है, आई थिंक सो ये वाला ठीक था, मुझे तो फिल्टर चेंज ही नहीं करना चाहिए। आपका प्रॉब्लम क्या है जो आपको लाइफ नहीं लेना चाहिए, क्यों तंग कर रहे हो? मेंटल पीस इग्नोर, हाय प्लस बाय, पिज्जा आ गई और अब वापस भी जा रही है, मुबारक हो। वो ऐसी करती है मेरे साथ, हाय प्लस बाय, आप हमेशा यही करती हैं, आप आपका नेट मुझे तंग करता है, मुझे रोज आपसे बात करने का दिल चाहता है, लेकिन आप, वैसे अफसा से उम्मीद नहीं की थी बिल्कुल। फैंकी सिस्टर्स,
यार रविका प्लीज अभी तक, अब सब उनकी मर्जी। हाय 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 बाय यार, मुझे अपनी नींद आ रही है, बस कर दो। जैसी बंद करने लगती हूँ ना, लोग क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं फिर रुक जाती हूँ। बहुत लंबी लाइव हो गई, थकनी का मेरी शक्ल देख इतनी बुरी। आई एम बिग फैन। किसका? प्लीज से माय नेम। हे हम ना पता नहीं क्या, हम नहीं पढ़ सकती हूँ मैं, क्योंकि आगे का नाम मैं नहीं बोल रही। यू आर सो क्यूट माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। वैसे ये झूठी तारीफ मत करें, क्योंकि आई नो मैं कैसी हूँ। 2 बजने वाले हैं, तभी नींद उरूज पर है। उरूज क्यूटो, थैंक यू क्यूटो, वैसे कोई बोलता है। अभी से फैन ने हफ्सा को कुछ नहीं बोला था, बट पता नहीं कैसे वो ये वर्ड भी का काशिप की नहीं यूज़ कर सकती है, मुँह से यूज़ कर सकती है वो। थैंक्स इस चीज़ का, नो नीड बताओ। आपका आप अच्छी हैं, से ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सो जाना, सो जाऊंगी मैं। हे हाउ आर यू? हे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज एंड फैमिली? उस एंड फैमिली के बारे में क्या बताऊं? बिकॉज एंड फॉर एवर। हे हे के कितने सिबलिंग्स हैं? मुझे इतना खास नहीं पता, आई थिंक सो 2 सिस्टर्स हैं और ये इनको मिला के 3 भाई हैं शायद। सारे मंडल से हाय। कोई आया? हाय सानू, कौन आया? सानिया आई, हसीन आई, प्यारी। अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह। रवि कला खाए खाए और क्या करती हो अब? मैं तो फिलहाल घर में बहुत फारे हूँ। लोगों की कामयाबी देख के बहुत से लोग भोगते हैं, ऑफकोर्स तब तक भोगी की नहीं। यू मैरिड? ये कौन है भाई मैरिड? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैट्रिक तो करने दो। आपके कितने सिबलिंग हैं? मेरे मेरा एक भाई है और एक बहन है, और मतलब मुझे मिला के 2 बहन एक भाई। ओवर, थैंक यू सो मच। हाँ सानिया, आई एम सो ओवर, मैं बहुत ओवर। बस अब जल्दी से सैटरडे और रवि सर मिले जी। आप लोगों को शापसा मास से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे यहाँ पे कौन कौन अच्छा लगता है और कौन कौन नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता, सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लाली रवि सिंह के बाद लाली शातू, बस इनफ, खत्म। चलो भाई प्रपोजल भी आने लग अदो भी ये आई प्रपोजल नहीं पता नहीं, वो शायद मुझसे पूछ रहे थे कि आप मैरिड हैं या नहीं। भाई मैं मैरिड वैरिड कहाँ से लगती हूँ, मैट्रिक तो करने दो मुझे। बताएं कौन कौन अच्छा लगता है? मुझे शारिब पसंद है, रबी सेन के बाद शारिब बहुत पसंद है, इंतहा के पसंद है, मतलब बहुत अच्छे हैं यार वो दोनों, मुझे इस वजह से बहुत पसंद है।
आस्तीन का सांप नहीं है। मेरी शादी का कोई ख्याल नहीं है, ये क्या बातें कर रहे हैं। हाँ मैं अच्छी हूँ ना, बहुत अच्छी हैं आप तो, आप तो परफेक्ट है ना। रीजन टुगेदर फॉरएवर लोगों का काम है बोलना, बोलने दो तो बोल ही रहे हो। आपका नेम करीन, अभी का बहुत ओवर है। अच्छा जब तक रीजन शादी नहीं कर लेते तब तक हम कैसे कर सकते हैं। हाँ ना मैं नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद मुझे, आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जब तक मेरी वरना नजर ही नहीं लगी थी आपको सानिया, मैं क्या करूँ। मैं नहीं पसंद, आप तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये भी देखा है कि शारिब के जो फैंस है ना वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव, मतलब अब तक मेरी एक ही मैडम से बात हुई होगी जो कि अभी भी यहाँ पे घूम रही हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी हर मुश्किल में बहुत काम आती है सानिया। अगर फ्री मत हो जाना, इतना मैंने आपकी तारीफ कर दी ना तो आप फ्री मत होइएगा, प्लीज ओवर भी मत होइएगा। हाँ तुमसे ज़्यादा नहीं, आप निकलो बेटा। क्लैपिंग, सानिया की क्लैपिंग, इतना प्यारा जवाब दिया। हवाई जीती जो बात है, सारे वंडर ज्यादा ओवर नहीं हो, एक ही वर्ड सीख कर आए हैं स्कूल से ओवर, समझ गई हूँ। योर टर्न अबाउट मैटर व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ बिटवीन यू एंड मी, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी इस मामले में। ओके बहुत क्लियर है, तुझे बिल्कुल बीका की जैसी है माशाल्लाह। मैं रबीका की जैसी हूँ मतलब, मैं वैसे तारीफ इसलिए तारीफ ही है मेरे लिए, शुक्रिया लेकिन मैं हूँ नहीं। इट्स फैजी हियर, क्लैपिंग कर रहे हैं वो, तालियां फैज भाई तालियां। शारिया वंडर्स के लिए तालियां सिर्फ एक ही शख्स ने करी हैं। वेट अ मिनट, हु आर यू। वाओ यार मजा आ गया, मेरी लाइफ में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अल्लाह कर ओ बहन, अल्लाह अल्लाह कर ओ बहन। रवि सिंह की शादी बस कर जाओ भाई, अभी नहीं 5-6 साल बाद। मजा आता है मुझे करने में, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यार रवि सिंह से। मैं रवि सिंह से नहीं थी, मेरे हाथ में मनी गिर जाएगा। मम्मा डांटेंगी अब मुझे, इतनी रात को तुम लाए अभी तक, सानिया तालियां बज रही आपके लिए। मैं नहीं बजा सकती, मेरे हाथ में मोबाइल है ना, मैं क्या करूं, वरना मैं भी बजाती। क्लैपिंग हो रही है सानिया के लिए क्योंकि ये डिजर्व करती हैं, मतलब क्या जवाब देती हैं यार। एंड आई थिंक सब सबके सवाल आज खत्म हो चुके हैं, मुझे भी नहीं जा। इट्स फैजी यार देख रहे हैं जी, बिल्कुल कोई आया हुआ है, जाग रहे होंगे ना रात को, बड़े बड़े पबजी खेलते हैं ना ये, पबजी पबजी मुझे बहुत बुरा लगता है पबजी, ये मेरे भाई जान है ना ये खेलते हैं। इट्स फैजी हियर, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके है ना नंबर दिला रहे थे ये मुझे, झूठे मकोर छूटे छूट। हंस रहे किस बात पर, हंस रहे वैसे आप, बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा रवि, सो जाओ आप, नींद नहीं आ रही, मतलब मुझे नहीं सोना, मर्जी मेरी, नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं। छोटी सी बच्ची कौन है,
इट्स ऐसी यार, ऐसे देखा भाई जैसे पता नहीं कितना दुनिया जानती है इनको, मेरे अलावा आपको कोई नहीं जानता। ये फैजी कौन है? फैजी नाम नहीं, फाइज नाम। गुड नाइट, हमारी तो नाइट भी चली गई है। लव और वेपनों क्या है, लव हो जाएगा ऐसे में। बेटा चुप हो जाए, ऐसे पब्लिक नहीं बोलता, बेटा चुप हो जाए, ऐसे पब्लिक नहीं बोलता। अब तो मैं और फेर लूंगी। अब यही समझ आके चुप क्यों कराए जा रहे हैं? और आप कल आ रहे हैं फिर बताए ना, आप आ रहे हैं कल ना? वाह वाह वाह, ज्यादा जाना है। टीबीएच शहीद प्लीज, टीबीएच शहीद प्लीज। अच्छा वैसे मैं बोलूं रोतू, लेकिन उसके मतलब रोतू इंसान हद होती है भाई। अगर गम है आपको, आप जाए ना पर्सनल में, आपको गम है, आप रोए तड़पे, या आप पब्लिक में स्टोरीज लगा लगा के क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, मसला बता दो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे, गेट वेल सून। इससे पता नहीं होता क्या, गेट वेल सून? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे। तो आप कल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मैंने सिर्फ इतना पूछा था, मैंने आपसे आपकी तबीयत कब पूछी। मैं कश्मीर से हूँ, बहुत अच्छी, थैंक यू। ओके बाय, क्यूटेस यू आर स्वीट, नाइस टू टॉकिंग विद यू एंड मोर पावर टू रवि सिंह, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। नजरें रखी हुई है मैंने आप पर, आप पर वो जिन्हें कोई नहीं जानता। टीबीएच हफ्सा, मैं नहीं बोलती। क्यों बुलवाए जा रहे हो यार आप लोग कंटिन्यूअसली? उसके बाद आप लोगों को पता नहीं, यहाँ पे दूसरों के फैंस आकर बोलते हेट दे रही है, ये तो हेट दे रही है। ओ माय गॉड, रवि सिंह के फैंस हेट देते हैं, जल्दी ठीक हो जाएं, गुड वर्ड्स होते हैं इसलिए बोलते हैं गेट वेल सून। पता है मुझे इसका मतलब क्या, मतलब आपके मुझे जाहिल समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, गुड वर्ड्स होते हैं ये। अच्छा अच्छा चलो मुझे इसका मतलब बताओ। डी एफ पी, इट्स फैजी एयर ओनली, वो बताएं मुझे। वैसे आई थिंक सो डी एफ पी का मतलब होता है, मैं क्यों बताऊँ, पहले आप बताएं। जो लोग उनको शादी मुबारक, और जो शादी चुने उनको आज़ादी मुबारक। यस अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू सो मच। वैसे आज आप फारिग हैं क्या, जो आप मेरी लाइफ में बैठे हुए हैं? समझता हूँ, यही उम्मीद लगाई जा सकती थी आपसे। वैसे मैंने आपसे कुछ पूछा था, डीएफपी का मतलब क्या होता है? डीएफपी ये हमारी हफ्सा बाजी है ना, वो शाफ्सा वाली हफ्सा बाजी, उन्होंने लिखा था कि वो डीएफपी पे हंस रही है, यानी कि किस पे हंस रही है? डोंट माइंड प्लीज जस्ट फनी, ये क्या था? हाय मैंने सोचा बच्चों की लाइफ देख लूं। अच्छी सोच है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोर ही हो रहे होंगे आप मेरी लाइफ से, आप मेरी स्टोरी देख लेंगी, देख लूंगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है फाइज भाई, डीएफपी का मतलब क्या है, क्या है, क्या है? मेरे घर में सब उठ जाएंगे, पता ही नहीं होगा ना बच्चे को, तो बताएगा कि बताएगा नहीं, तो बस तक बने बताएंगे, पता ही नहीं होगा, अनपढ़। डीएफपी का मतलब नहीं पता, मैं बच्चों से बात नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। डीएफपी का मतलब होता है आई थिंक सो यही होगा उन मैडम का, डबल फेस प्यूपल, वो हंस रही है डबल फेस प्यूपल पर। अरे भाई मैंने हफ्ता का बोला था डीएफपी, गुड नाइट एंड चला बहुत जल्द, ये मुझे पता था, डीएफपी में डिफेंस फाइटिंग पोजीशन, ये तो पता था। गुड नाइट एंड चला बहुत जल्द दोबारा देखेंगे आपको इंशाल्लाह, जा रही हूँ मैं।
मम्मा डांटेंगी मारेंगी चप्पलों से पीटेंगी मुझे। तौबा बहन तुम बहुत बोलती हो, क्या खाती हो फाइव में, क्या खाती हो, क्या खाती हूँ मैं बताएं, आप बताएं मैं क्या खाती हूँ जो मैं बहुत बोल रही हूँ। मैं वैसे बहुत बोलती नहीं हूँ, यहाँ आकर मैं फर्ज निभा रही हूँ। वो हेटर थे ना वो बहुत भोंक रहे थे ना, तो मैंने भी जवाब देने के लिए आ गई। वैसे आज मैंने सबसे ज्यादा बोला होगा, घर में सोचा बड़ी गुलाबी, करीन जी रवि से मिसलव, ये तो जा रहे, मैं नहीं जा रही, मर्जी मेरी। कौन होते हैं आप? करीन सना, सना हो? मैं सच बताऊं मैं क्या किस चीज को होने का वेट कर रही हूँ, मैं फाइज भाई के जाने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी। आप मेरी स्टोरी देख सकती हो, देख लूंगी लाइफ खत्म होने के बाद देख लूंगी, लेकिन देखूंगी कैसे। आई एम बैक यार, के सना वापस आ गई, मेरी फेवरेट एडिटर में से एक एडिटर सना। थैंक गॉड यार, मैं ना एनी को और सना को बहुत मिस करती थी। कोई गाना सुना दो। मैं गाना सुनाऊं? मैंने गाना सुना दिया तो वही जो 20 लोग हैं ना ये भी लेते। मैं चला जाता हूँ बेटा, और बोलो ये मुझे सब बेटा बेटा क्यों बोल रहे हैं? सो जाओ करीम बेटे, देर हो गई, सब मुझे बेटा बेटा क्यों बोल रहे हो? मैं कितने लोगों की बेटी हूँ मैं, बता दो मुझे कितने अम्मा अब्बा है मेरे। ओ यार हाँ यार, अच्छा बल्ला किस यार, यार लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। सानिया इज बैक, सानिया वापिस चली जाइए क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, काम भी है आपसे थोड़ा जी। बोल मैं आती हूँ, सबर बोलिए, यहाँ बोल सकती हैं तो यहाँ बोल दे वरना मैं आती हूँ। रवि सिंह बेटा वॉमिटिंग वॉशरूम में चली जाओ या कहीं और चली जाओ, यहाँ पे वॉमिटिंग नहीं करो, सबके सामने नहीं करो। मेरे से बड़ी हो लेकिन फिर भी आपको बेटा बोलूंगी मैं। ओके लाहौर में तो बहुत बारिश हो रही है, फुल चिल। जल्दी सुनाओ यार, आप बहुत अच्छा गाती हो। मैं कहाँ गाती हूँ, मैंने आपको गाया ही कब है? आपको गिल्टी आ रही है सानिया, आप भी वॉशरूम जाइए। सुबह की फ्लाइट है आपकी, आपने करवाई थी? 6 बजे वाली? नहीं मैं बहुत देर से समझी, लेकिन समझ ही नहीं, सुबह नहीं। कितने बजे वाली फ्लाइट है मेरी? मेरी शायद शाम को 6 बजे वाली है। आहिस्ता आहिस्ता मैं यही सो रही। जब सुबह हो मुझे उठा देना। सो गई मैं, सुनाओ गाना यार। यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो मैं कैसे गाना सुना दूं? फैज भाई हा 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 मत बोले, मुझे उस बान भाई याद आ जाते हैं। अबे चुप करो। अच्छा सॉरी, मुझे पता था। नहीं सच्ची में यार, बंदा हंसने वाले इमोजी सेंड कर दे वो। हा। अब मैं चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
मुझे सुनाओ जैसा कि चलेगा। नहीं मैं नहीं सुना सकती। बाय, इंशाल्लाह पता नहीं कब मिलेंगे। बाय।